टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को हंगामा करने की वजह से राज्यसभा से बाहर कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर घुसकांड को लेकर सुखेंदु सुबह से ही मामला उठा रहे थे। सुबह उन्होंने रक्षा मंत्री से जवाब देने की मांग की थी, तो राज्यसभा से अब बाहर कर दिया गया सुखेंदु को। जिस तरीके से उन्होंने हल्ला हंगामा किया है, टीएमसी के सांसद को राज्यसभा से बाहर निकाला गया है। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय को नियम 255 के तहत सभापति ने बाहर जाने के लिए कहा था। दादा, ये क्या मामला था, आपको क्यों बाहर जाने के लिए कहा? वो तो जिन्होंने निर्णय लिया है वो बता सकते हैं, मुझे क्यों बताया। आप क्या मांग कर रहे थे? हम सुबह से डिप्टी चेयरमैन के परमिशन लेके, मेरा नोटिस था, नोटिस 267 की नोटिस के तहत मैंने मुद्दा उठाया कि अगस्त घुसकांड में जिन लोगों का नाम है, आधा आधा नाम है, जैसे कि गांधी, जैसे कि एपी, ये गांधी कौन है, ये एपी कौन है, इनका परिचय खुलासा करने का दायित्व बनता है सरकार का। लेकिन सरकार का रक्षा मंत्री सदन में बैठे हुए थे, खामोश बोल नहीं रहे थे, तो हमने सोचा कि ये शायद बीजेपी और कांग्रेस का इस मुद्दे पर मिलीभगत है, इसलिए वो खामोश है। तो मैंने मांग किया कि इन लोगों का परिचय देश की जनता का सामने रखा जाए कि ये घूस सैकड़ों करोड़ों रुपया अगस्त में किसने घूस खाया है, इसको जाना। लेकिन वो कांग्रेस वालों ने मुझे बोले नहीं दिया। कांग्रेस वालों ने कई दफ़े ओएल में आके हंगामा किया, ओएल में आके नाराबाजी किया, ओएल में आके चेयर का एक बात भी नहीं सुना। लेकिन अफसोस की बात है, मुझे निकाला दिया गया, कांग्रेस का एक आदमी को भी निकाला नहीं गया। मेरे विचार से दिस इज नॉट फेयर। इसका मतलब आप सभापति के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, हम असंतुष्ट है, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन सरकार ये कह रही है, मान लिया, मैं तो उनका निर्णय मान लिया। मैंने जब बोला कि आप सदन से बाहर जाओ, मैं बाहर आ गया। लेकिन सरकार ये कह रही है कि बुधवार को चर्चा होगी, तो आप आज क्यों चर्चा मांग रहे हैं? सरकार को कोई पंडित अगर बुधवार शुभ दिन बोल बता के वो दिन तय किया है, वो तो सरकार की हेडेक है, मेरा हेडेक नहीं है। हमारा तो, हम चाहते हैं कि चर्चा अभी हो, इसी वक्त हो, क्योंकि सारा हिंदुस्तान में, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अखबारों में ये चर्चा चल रही है तब से जब से मिलान कोर्ट का जजमेंट निकल चुकी है। तो अगर सारे मीडिया में चर्चा होती है तो हमारा सदन में चर्चा क्यों नहीं होगा, अभी नहीं क्यों नहीं होगा, इस वक्त क्यों नहीं होगा? तो आपने सुना सुखेंदु शेखर राय जी का कहना है कि इस अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जितने नाम आ रहे हैं उनका खुलासा तत्काल होना चाहिए था, लेकिन उनकी बात न सुनते हुए सभापति ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा है। राजन सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो टीएमसी सांसद का यह सीधा आरोप कि कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत है इस मामले में।